ललितपुर जिले में लगातार घटती चोरी की घटनाओं को लेकर ललितपुर के व्यापार मंडलों ने दिया ज्ञापन। एकजुट होके एक राय होके दिया ललितपुर एसपी निखिल पाठक को ज्ञापन और कहा कि खुलासे तत्काल कराएं। आखिर क्यों घट रही हैं ललितपुर में चोरी की घटनाएं? उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पुलिस खुलासा करने में नाकाम है और गुणवत्तापूर्ण खुलासे नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो रिकवरी का माल है वो भी महज 10% ही रिकवर हो रहा है। आज जिला उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल जनपद में हो रही चोरियों के खुलासे के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे। जनपद में लंबे समय से जो चोरियां हो रही हैं उनमें या तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, रिपोर्ट लिखी भी जाती है कोई खुलासा होता है तो मात्र रिकवरी की स्थिति 10% से अधिक नहीं होती है, जिसको लेके व्यापारियों में रोष है। हमारे वर्तमान में कई चोरियाँ ऐसी हैं, पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंदन के यहाँ की चोरी, अंशुल ट्रेडर्स की चोरी, अजित खजौरिया के यहाँ की चोरी, हमारे यहाँ के रेलवारा में जो रिकवरी हुई वो भी ना के बराबर औपचारिकता मात्र हुई। और वर्तमान में एक बड़ी चोरी, करीब 15 लाख रुपए की चोरी नवीन ट्रेडर्स गल्ला मंडी वालों के घर पे हुई, जिसके चोरी होने के बाद उन्हीं की परिजनों ने वीडियो के माध्यम से चोर को खोजा, दिखाया और पुलिस को बताया। उसके बाद ही पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही। उसकी स्थिति यह है कि हम चाहते हैं कि वर्तमान में इस चोरी का भी खुलासा हो, क्योंकि चोर सुनिश्चित हो चुका है, चोर का घर सुनिश्चित हो चुका है, रिकवरी कम से कम 80-90% हो, मात्र 10% की रिकवरी करके औपचारिकता ना की जाए, इसलिए हम पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे। लंबे समय से पुलिस का और चोरों का ये सांठगांठ हम लोगों को कौन से कोतवाली पुलिस है, एसओजी पुलिस कौन जांच कर रही है, कौन जांच कर रही है? आज तो थाना कचहरी सब थाना क्षेत्र की घटना है, नगर क्षेत्र की घटना है सारी, तो नगर क्षेत्र की घटना में तो यही पुलिस की काम करेगी। आपने एसपी से बात की, एसपी ने क्या बताया? एसपी ने कहा निश्चित तौर पर रिकवरी के लिए हम लोग पुलिस से बात करके पूर्ण रूप से घटना की रिकवरी कराने का काम करेंगे। एसओजी काम कर रही है कि कोतवाली पुलिस काम? कोतवाली पुलिस काम कर रही है, एसओजी की टीम भी काम कर रही होगी इसमें, लेकिन मूल रूप से रिकवरी को लेके व्यापारियों में रोष है कि चोरी के खुलासा मात्र 10-5% की रिकवरी में हो रहा है, जिसके लिए व्यापारियों में रोष है। हमारे यूट्यूब चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।